एक नजर हेडलाइंस पर। रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने के लिए भी पैदा हुई कंगना मनोज कुमार। ओमन कुमार ने की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात, वजह है बेहद खास। लुका छुपी का शानदार ट्रेलर रिलीज, नजर आया कार्तिक स्मृति का कॉमेडी अंदाज। अब देखते हैं खबरें विस्तार। मुंबई, कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका रिलीज की दहलीज पर है। फिल्म को जहां विवादों का सामना करना पड़ रहा है, तो वही दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार ने फिल्म के लिए कंगना की तारीफ करते हुए कहा कि वह रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने के लिए ही पैदा हुई है। मनोज कुमार ने बुधवार को मुंबई में फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की विशेष स्क्रीनिंग के मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कंगना पर्दे पर उनका किरदार निभाने के लिए ही पैदा हुई है। फिल्म में हर किसी ने शानदार काम किया। देहरादून, फिल्मकार ओमन कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित अपनी आगामी बायोपिक पीएम मोदी के सिलसिले में उत्तरकाशी की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। ओमन इन दिनों अपनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोकेशन की तरफ तलाश कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि उत्तरकाशी में लोकेशन की तलाश के सिलसिले में ही उन्होंने रावत से मुलाकात की। ओमन इस फिल्म पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। फिल्म की लोकेशन के चुनाव के लिए वह देश भर में कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हरसिल गांव का दौरा किया और मेरांग घाटी भी गए। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी में अभिनेता विवेक आनंद ओबेराय मुख्य भूमिका में है। इसकी टैगलाइन में लिखा गया है कि देशभक्ति की मेरी शक्ति है यह फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो रही है। हैदराबाद, प्यार का पंचनामा फेम कार्तिक आर्यन जल्द ही कृति सेनन के साथ फिल्म लुका छुपी में नजर आने वाले हैं। बीते दिन ही फिल्म के 2 पोस्टर आउट किए गए, तो इसी कड़ी में फिल्म का दमदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी मजेदार और कॉमेडी से भरपूर नजर आ रहा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड।